हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे कि मैंने आप सबको कहा ही था कि मैं इस बुक से यानी आइजैक पिटमैन सर की शॉर्ट हैंड की बुक से आपको मैं चैप्टर वाइज पूरी बुक खत्म कराने वाला हूं। तो आज मैं आपके लिए इसका चैप्टर सेकंड का सेकंड पार्ट लेकर के आ गया हूं। तो जिन लोगों को नहीं पता उन लोगों को मैं बता दूं कि ये मैं आपको पूरी बुक खत्म कराने वाला हूं चैप्टर वाइज, और ये बेसिक से पूरा एडवांस लेवल तक का रहने वाला है। और इस बुक का चैप्टर फर्स्ट जो है वो फर्स्ट सिक्स कॉन्सोनेंट है, ये मैंने आपको पहले ही करा दिया है। तीन पार्ट में डिवाइडेड है ये, और बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन करा है। तो अगर आपने ये चैप्टर नहीं देखा है, सबसे पहले ही चैप्टर नहीं देखा है, तो आपको आगे का भी कुछ समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैं इस चैप्टर का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दूंगा। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के प्लीज पहले इन चैप्टर को आप कंप्लीट करके आइए। और चैप्टर सेकंड का भी मैं फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी लॉन्च कर चुका हूं अपने चैनल पर, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वो पार्ट भी आप जरूर देख लेना। और आज मैं आपको चैप्टर सेकंड का ही सेकंड पार्ट कराने वाला हूं, तो मेरी वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। तो मेरी जो लास्ट वीडियो थी चैप्टर सेकंड की पार्ट वन वाली, उसमें मैंने आपको यार यहां से लेकर के यहां तक करा दिया था। और ये मैंने आपको होमवर्क में दिया था कि ये जो वर्ड्स है आपको पर वर्ड 3 लाइन ईच करना है, तभी आपको इन वर्ड की फॉर्मेशन जो है वो समझ में आएगी। तो आज चैप्टर सेकंड के ही सेकंड पार्ट में मैं आपको यहां यानी वोवल ओ और यू से लेकर के यहां तक मैं आपको कराने वाला हूं। और हाँ यार, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और बेल आइकन को ऑल पे कर लो। अगर आपको ये वाला जो कोर्स है स्टेनोग्राफी का वो बिल्कुल ही फ्री में करना है, और साथ ही साथ इसी चैनल पर मैं आपको SSC से जुड़ी हर अपडेट सबसे पहले देता हूं, और साथ ही साथ गवर्नमेंट जॉब्स के लिए आपको स्टडी का मटेरियल भी प्रोवाइड करता हूं। तो अब हम बात कर लेते हैं हमारे आज के टॉपिक के बारे में। तो जैसे कि हमने पिछले चैप्टर में आपको बताया था कि फर्स्ट प्लेस के और सेकंड प्लेस के और थर्ड प्लेस के, इन तीनों ही प्लेस पे वोवल हमारे लगते हैं। जैसा कि इंग्लिश में वोवल होते थे हमारे AEIOU, ऐसे यार इसमें भी स्टेनोग्राफी में भी अपने वोवल्स होते हैं जो साउंड्स पर बेस होते हैं। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको सेकंड प्लेस के ही दो वोवल करा दिए थे, जो ए और ए था, यानी जो एक वाला ए और एब वाला ए। मैंने आपको बता भी दिया था कि कहां पे डार्क डॉट लगानी है और कहां पे लाइट डॉट लगानी है। तो ये भी बिल्कुल ही सेम है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, इसका भी कॉन्सेप्ट बिल्कुल सेम रहने वाला है वोवल ओ और वोवल यू का। सबसे पहले हम वोवल ओ के बारे में यहाँ पे पढ़ लेते हैं, बुक में से पढ़ेंगे, फिर मैं आपको अपनी इजी लैंग्वेज में समझाऊंगा। तो यहाँ बुक में क्या लिखा है, जो कि लॉन्ग ओ इज रिप्रेजेंटेड बाय ए हैवी डैश एंड इन ए सेकंड प्लेस ऑफ वोवल। इसमें आपको बताया गया है कि जो ओ है, जो यहां पर हमारे वर्ड में ओ का साउंड आएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ये वाली लैंग्वेज है स्टेनोग्राफी की, वो हमारी पूरी तरह ही साउंड्स पर बेस है। हमें स्पेलिंग पे नहीं जाना, हमें सिर्फ देखना कि उसमें साउंड क्या आ रहा है, उसी के बेस पे हम वर्ड्स की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहां पर यह लिखा है इन्होंने, अगर किसी भी वर्ड में लॉन्ग ओ जो हमारे बोलने में आ रहा हो, जैसे टो है, ओट है, बो है, जो है, इसमें आप एक बार बोल के देखिए, लॉन्ग ओ का साउंड अपने आप ही निकल करके आ रहा है। एक बार बोल के देखिए, जो, फो, ओथ, तो इसमें लॉन्ग ओ का साउंड आ रहा है। तो उन्होंने बस यही बताया कि जिस वर्ड में हमारे लॉन्ग ओ का साउंड आ रहा हो उसको हम डार्क डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो कहाँ होगा, वो सेकंड प्लेस पे होगा, यानी सेकंड प्लेस, थर्ड प्लेस और फर्स्ट प्लेस। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में ज्यादा अच्छे तरीके से समझा दिया था, तो इसलिए मैंने कहा था वीडियो को शुरुआत में कि अगर आपने नहीं किया है चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड का फर्स्ट पार्ट, तो आप प्लीज जाकर के जरूर देख ले, उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिंक प्रोवाइड कर रखा है। अब मैं आपको अपनी कॉपी पे लेके चलता हूं, वहां पे आपको और अच्छे से समझाऊंगा। यहां पर भी मैंने ये लिखा है कि जो जहां पर हमारा वोवल ओ आ जाए बोलने में और वो लॉन्ग साउंड कर रहा है वर्ड में, तो हम जो है वो उसको डार्क डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, हैवी डैश से रिप्रेजेंट करेंगे, किसी भी शो करने के लिए कि हाँ भाई वहां पर हमारा ओ आ रहा है, हमको पहचान में आ जाएगा कि यहाँ पे ओ आ रहा है, और वो सेकंड प्लेस पे रहना चाहिए किसी भी कॉन्सोनेंट के। अब मैं आपको थोड़ा लिख के भी दिखा देता हूं, जिससे कि आप अगर और कंफर्म हो जाओ कि लिखना कैसे और कहां पर ये आएगा। तो यहां पर मैंने आपके लिए कुछ बुक्स के ही एग्जाम्पल लिए हैं, वो भी मैं आपको लिख के बताऊंगा, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब जैसे कि यहाँ पे हम ओ वोवल पढ़ रहे हैं, वोवल ओ हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो हमने बताया था कि जहां पर डार्क हमारा ओ जो है वो लॉन्ग साउंड कर रहे, तो वहां पे हम डार्क डैश लगाना है। तो यहाँ पर जो शो है, अब एश का वोवल तो मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता ही दिया था कि कैसे लगता है,
अपवर्ड से डाउनवर्ड होता है और थोड़ा स्लैंट में लगता है ये। तो यहाँ पे हम शो लिख के दिखाते हैं आपको कि शो कैसे लिखे जाएगा। अगर ये आपने सीख लिया तो यार ये बहुत ही अच्छा हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो शो, शो हम लिखेंगे ऐसे, ये हमारा एश का वोवल, ओ सॉरी एस का कॉन्सोनेंट और ओ वोवल लग गया। अगर हम इसको जोड़ के पढ़ेंगे तो हमारा शो पढ़ा जाएगा, शो शो। और ये देख सकते हैं कि ये डार्क डैश में लगाते जा रहा हूं साथ में, और इसकी फॉर्मेशन भी आपको समझ में आ जाएगी कि बुक में आपको फॉर्मेशन किस हिसाब से दे रखी है, जो यहाँ पे बुक में फॉर्मेशन दे रखी है वो किस हिसाब से दे रखी है, और उसी हिसाब से मैं आपको लिख के भी बता रहा हूं। अब हम देख लेते हैं बो। अब बी का हमारा नॉर्मल जो कॉन्सोनेंट बनता है, और बी का डार्क इसलिए बनाया है क्योंकि बी बोलने में डार्क है, और यही चीज मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में यार अच्छे से बता रखी है। बो, बो पहले बी का कॉन्सोनेंट और फिर ओ, अब देखते हैं टो। टी का कॉन्सोनेंट हल्का है, मैंने आपको पहले ही बताया था अपनी लास्ट वीडियो में, मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया था। तो टो यहां पे आप देख सकते हैं कि यहां पर ये डार्क वॉवल है और ये लाइट वॉवल है, और इसी का रोल यार बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करता है इस पूरी बुक में। अगर आपको ये समझ नहीं आएगा कि डार्क कॉन्सोनेंट कौन सा है हमारा और लाइट कॉन्सोनेंट कौन सा है, तो यार आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। इसलिए ये कॉन्सोनेंट का पहले अच्छे से समझ लो कि कहां पर हमारा डार्क कॉन्सोनेंट आएगा और कहां पर हमारा लाइट कॉन्सोनेंट आएगा। अब देख लेते हैं फो। एफ का कॉन्सोनेंट और ओ का वोवल, ये बहुत ही इजी लैंग्वेज है, अगर आपको एक बार समझ में आ गई ना, कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है लैंग्वेज ये। और यार मैं आपको सिखा रहा हूँ बिल्कुल फ्री में और अच्छे से सिखा रहा हूँ, तो भाई कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। अगर आपको यार कोई दिक्कत भी आती है तो कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर ड्रॉप कर देना कि भैया मेरे को यहाँ पर दिक्कत है, इस वाले रूल को आप दोबारा समझाओ, तो यार मैं बिल्कुल ही समझा दूंगा इस रूल को भी। अब अगला जो एग्जाम्पल है वो है शोड, शोड शोड। और मैंने आपको बताया था हाथ कहीं नहीं उठाना है, जहां पे जॉइनिंग होगी वहां पे अपना हाथ आप बिल्कुल भी नहीं उठाना, जो पूरा कॉन्सोनेंट है, जैसे शोड यहाँ पे दे रखा है, अब यहाँ पे वो सिर्फ वॉवल के लिए हाथ उठाना है, और वो भी जब हमारा पूरा कॉन्सोनेंट पूरा हो जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं जो श का वॉवल है वो हल्का है, ओ सॉरी श का जो कॉन्सोनेंट मैंने बनाया है वो हल्का बनाया है, और डी का डार्क बनाया है। और मैंने आपको इसका रूल अच्छे से समझा दिया था कि मैंने आपको यहाँ पर ऐसे क्यों बनाया है, ठीक है। अब हम अगर अपना अगला एग्जाम्पल लेते हैं ओ का ही, जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो एग्जाम्पल है यार बोट है, बोट यहाँ पर भी ज्वाइनिंग है, और ज्वाइनिंग के पहले अगर जब तक ज्वाइनिंग खत्म नहीं होती तब तक हाथ नहीं उठाना है, तो बोट। अगला हमारा बोथ, वोट, तो अब मैंने आपको इसके इतने सारे एग्जांपल करा दिए हैं डार्क ओ के, तो आपको ये वोवल समझ में आ ही गया होगा कि कहां पर आपको डार्क डैश का यूज करना है और वो आपको कैसे पढ़ना है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट वोवल यानी वोवल यू पे, ये भी आपको समझा देता हूं। सबसे पहले बुक में देखेंगे कि बुक में क्या बोला गया है वोवल यू को लेकर के। जो बुक में जो लिखा गया है यहाँ पे लिखा है कि शॉर्ट यू इज रिप्रेजेंटेड बाय ए लाइट डैश एंड इन अ सेकंड प्लेस ऑफ वोवल। यहाँ पर भी वही रूल है जैसे कि हमारा लॉन्ग ओ का था, कि अगर लॉन्ग ओ है आ रहा है तो सेकंड प्लेस में डार्क से रिप्रेजेंट होगा, और यहां पर है कि अगर यू आ रहा है तो सेकंड प्लेस में ही लाइट डैश से रिप्रेजेंट होगा। बस यहां पर लाइट और डार्क का फर्क है, बाकी सब कुछ सेम है, सेकंड प्लेस पर ही लगने वाला है।
अब मैं आपको समझा देता हूँ कि ये लाइट यू क्या होता है। तो लाइट यू जो होता है यार हमारा वो होता है, जैसे स्पेलिंग में हमारे यू तो दे रखा है यहाँ पे यू, पर हम इसको पढ़ते क्या है अप, हम इसको पढ़ते क्या है अप, इसी को कहते हैं लाइट यू। अब जैसे यहाँ पर अस है, लिखा तो दे रखा है यू और पढ़ रहे हैं इसको अस। यहाँ पर टब, यहाँ पर भी यू दे रखा है पर हम इसको पढ़ रहे हैं टब। तो यार ऐसे ही जो लाइट यू होता है जहाँ पे यू अ की साउंड दे हमारा, मतलब जनरली जहाँ पे यू हमारा अ की साउंड दे, तो वो यू जो है वो शॉर्ट यानी शॉर्ट प्रोनंसिएशन में आता है, उसको हम बोलते हैं शॉर्ट यू। तो उसको जो हम रिप्रेजेंटेशन करते हैं वो हम लाइट डैश से करते हैं सेकंड प्लेस पर ही। अब मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं कि ये कैसे लिखा जाता है, जिसमें जिससे कि आपको और समझने में आसानी हो जाएगी। जैसे अप, ये लाइट डैश अप, अब कुछ लोगों का क्वेश्चन ये होगा कि यहां पर तो मैंने वोवल बाद में लगाया है इसके कॉन्सोनेंट के ऊपर, यहां पे मैंने पहले लगा दिया, तो इसलिए मैं कह रहा था कि आपको अपनी पिछली वीडियो मेरी जरूर देखो। पर मैं आपको यहां पर थोड़ा समझा देता हूं, उसमें मैंने ज्यादा अच्छे समझा रखा है। यहां पर क्या है, मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि अगर कॉन्सोनेंट के बाद वोवल अगर बोलने में आ रहा है तो वो वोवल उसके बाद ही लगेगा। जैसे यहां पर वी के बाद बोलने में आ रहा है ओ वोट, तो वी के बाद ही लगा है, और यहां पर हमारा जो वोवल है यहां पर वो पहले ही आ रहा है पी से, तो वो पहले ही लगेगा पी से भी, चाहे वो लिखने में भी हो। तो यार ये रूल है, और इसी रूल को मैंने आपको बहुत ही अच्छे से समझा रखा है। अब हम देखते हैं अगला एग्जांपल अस का, अस। सबसे पहले हमको अपना स्ट्रोक पूरा करना होता है, तभी हाथ उठाना होता है हमें वोवल लगाने के लिए। अब है टब, ये भी शॉर्ट यू के कुछ और भी एग्जांपल है, जिससे कि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैं इतने सारे एग्जांपल है इसीलिए करा रहा हूं कि आपको अच्छे से समझ में आए, और यार अगर आपको छोटी सी चीज भी अगर इसमें नहीं समझ आती ना, तो यार मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बता दिया करो कि अब मेरे को ये समझ नहीं आया, आप इसको दोबारा समझाओ, मैं इसको दोबारा समझाऊंगा। बट आपका उसको समझना बहुत जरूरी है इस बुक को पूरा करने के लिए। अब हम देखते हैं अपना अगला एग्जाम्पल शॉर्ट यू का, ये है टच, टच। इसकी फॉर्मेशन ऐसी होगी, टच। अब है डच, अब देखो यहां पर च का वोवल हल्का था, चाक का कॉन्सोनेंट हल्का था, और यहां पर डी का डार्क है। मैंने आपको बताया था कि जहां पर हमें कॉन्सोनेंट बोलने में हल्का लगे, जैसे टी है, तो उसकी जो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो भी हल्का ही करेंगे। अब जैसे डी है बोलने में डार्क है, तो हमें इसको डार्क ही लिखा है, ऐसे ही था। देखते हैं डच, अब है जज, तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें कि मैंने आपको यार समझा दिया अच्छे से, होप आपको समझ में भी आ गया होगा कि वोवल ओ और वोवल यू का यूज कैसे होता है, कहां पर हम लाइट डैश लगाते हैं, कहां पर हम डार्क डैश लगाते हैं, और उसको कैसे प्रोनाउंस किया जाता है, और इसकी फॉर्मेशन भी कैसे होती है। अगर नहीं समझ आया तो मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मैं अपनी अगली वीडियो में आपको एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 3 ये आपको दोनों ही पढ़ के भी सुनाऊंगा, और आपको लिख के भी दिखाऊंगा, जिससे कि आपको और भी आसानी हो जाएगी इसकी प्रैक्टिस करने के लिए। और यार अब आपको होमवर्क ये है कि आपको ये जो सारे वर्ड है, मैंने तो आपको कुछ एग्जाम्पल के लिए वर्ड समझाए थे, आपको ये जो सारे वर्ड है यहां से लेकर के यहां तक, इस वर्ड को कम से कम 3 लाइन ईच पर वर्ड के हिसाब से आपको करना है, और सेम यहां पर भी इसको भी आपको 3 लाइन ईच वर्ड की करनी है अपनी कॉपी में और खुद से बना करके, जिससे कि आपको इसकी लिखना भी आ जाएगा, जिस जो आपके लिए यार बहुत ही जरूरी है। तो एंड करते हैं हमारी आज की वीडियो,
और यार वीडियो अच्छी लगी हो तो यार चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और बेल आइकन को भी ऑल पे कर देना और साथ ही साथ वीडियो को लाइक भी कर देना। और यार उन बच्चों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाना जो ये कोर्स फ्री में करना चाहते हैं, और उनको बताना कि ये कोर्स यार बहुत ही अच्छा है, अगर आपने एक बार सीख लिया तो ये कोर्स आपको बहुत ही ज्यादा फायदा देने वाला है। तो यार गुड बाय, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।